बस थोड़ा सा काम रह गया था तो वही कर रहा तुम काम में इतने बिजी होते हो कि हूँ। तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। चाची तो इलेक्शन में बिजी हो गए ना, तो उनको टाइम नहीं मिलता। सारा ऑफिस का लोड मुझ पे पड़ गया। आपको कोई काम था मामा? नहीं, हाँ ऐसी तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम बताएं। पहले अपना काम खत्म कर लो, फिर इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। आपसे ज्यादा अहम और कुछ नहीं है मामा। वाकई मैं उन खुश नसीब माओं में से हूं जिनके बेटा इतना सादतमंद है। अच्छा चले बताएं, क्या बात करनी थी? हर माँ की तरह मेरी भी एक ही ख्वाहिश है। अब माशाल्लाह तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, तो मैं चाहती हूँ इस घर में तुम्हारे लिए दुल्हन लाऊं। आपने तो मेरी दिल की बात कर दी। Really? इसका मतलब लोग ठीक कहते हैं, औलाद माँ बाप के जिस्म का हिस्सा होती है। अब तुम्हारे दिल की बात मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? यही बात है। जुहेब, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने जिंदगी में हर फैसला बहुत सोच समझ के किया है। इस घर का ख्याल, तुम सब लोगों की खुशियां, मैं चाहती हूं ऐसी लड़की लाऊं जिसे मैं खुद जानती हूं, जो इस घर के तौर तरीकों को समझे, हमें समझे। ऐसे ही होगा मामा। तुम्हें कोई पसंद है? आप जानती हैं उसे बहुत अच्छी तरह। Really? इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। आपको कैसे पता है मामा? हेलो, सॉरी मामा, 1 मिनट आ दें। क्या अच्छी लड़की है सारा,